अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से होंगे? अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सबकी परेशानियों को दूर कर दे। आज मैं आई थी मॉल ऑफ लाहौर, मेरा आना हुआ यहाँ पर, तो लाइटें आपको ज़रा कम कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये बंद हो चुका था, कुछ बंद हो रहा था, सिर्फ डाइनिंग एरिया इनका खुला हुआ था, तो कुछ शॉप्स थी जो खुली हुई थी, कुछ बंद हो रही थी। ये मॉल भी बिल्कुल वैसे ही है इनका, जैसे हमारे कराची में लकी बंद मॉल है ना, वैसे ही ये मॉल बना हुआ है। बड़ा प्यारा सा बना हुआ था, लेकिन ये कि बंद होने के करीब था और बंद हो भी चुका था। कुछ शॉप्स बंद हो गई थी, कुछ बंद हो रही थी, शायद यहाँ पे टाइमिंग चेंज है, जल्दी बंद हो जाते हैं मॉल वगैरह। तो सिर्फ डाइनिंग एरिया खुला हुआ था, तो भूख भी लगी हुई थी और बस हल्का फुल्का ही खाने को दिल कर रहा था। तो अब जाके पाकिस्तानियों के पास भी ये चॉइस बची है कि जब हल्का फुल्का खाने को दिल करे या KFC खा लेते हैं या मैकडोनल्ड खा लेते हैं आ जाके। और ऐसे ही हमने भी किया, बस देखा कि डाइनिंग एरिया में गए तो खुला हुआ ही था, तो फिर हमने भी KFC ही लिया हमेशा की तरह। और ये देखें यहाँ की खूबसूरती, बड़ा प्यारा लग रहा था यहाँ पर। काफ़ी लोग थे डाइनिंग एरिया में भी, लेकिन ये है कि मॉल जो है वो बंद हो चुका था, शॉप्स बंद थी। अगर कुछ लेना भी था तो यहाँ पे दिया ऑर्डर हमने अपना। तो ऑर्डर के बाद फिर मैं ज़रा आगे पीछे घूमने लग गई, मैं आगे बच्चों के प्ले एरिया में, यहाँ पे बच्चे अच्छे खासे खेल रहे थे। मतलब जाहिर है बच्चों के एंजॉयमेंट तो खिलौनों में या झूलों में, इन्हीं चीज़ों में होती है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने प्ले एरिया बच्चों का भी ऊपर छोटा सा साइड पे बनाया हुआ था जहाँ पे डाइनिंग एरिया था इनका, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। काफ़ी अच्छा लगा जाके कि बिल्कुल ही अच्छे ज़बरदस्त मॉल बने हुए हैं यहाँ पर भी। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी मॉल ऑफ लाहौर में, इतने साल हालांकि लाहौर में रह चुकी हूँ लेकिन मैं इस मॉल में नहीं आई थी, और मेरा भी पहला ही चक्कर था। बस यहाँ घूमने फिरने में हमारा ऑर्डर जो है वो तैयार हो चुका था, नंबर आ चुका था हमारे ऑर्डर का, फिर मैं लेने आ गई ऑर्डर अपना यहाँ से जो दिया हुआ था। बस यहाँ पे वो रेडी कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो डाल चुके थे, तो बस यहाँ मैंने फिर अपना ऑर्डर उठाया, गए टेबल पे, खाना पीना शुरू किया। तकरीबन मुझे लगता है कि आधा घंटा लगा होगा हमें इस मॉल में ऑर्डर देते हुए, खाने पीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारा ही बंद हो चुका था मॉल, सिर्फ डाइनिंग का ना कि एरिया खुला हुआ था। यहाँ था जिंगर बर्गर की डील्स थी, वो ले ली, फिर कुछ मीठा खाने को दिल किया तो मीठा ले लिया यहाँ पर। तो बस थोड़ा सा खाने पीने के बाद, चलने वॉक वगैरह के बाद, ये देखें सारा मॉल तकरीबन बंद हो चुका है यहाँ पर। तो बस फिर खाने पीने के बाद हम भी घर को आने के लिए निकल पड़े क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मॉल इतनी ही जल्दी यहाँ बंद हो जाते हैं, और कुछ मुझे लगता है कि सर्दियों की वजह से भी जल्दी बंद हो जाते हैं मॉल यहाँ पर। खैर, मुझे आइडिया था कि कराची में लेट नाइट तक ही खुले ही रहते हैं, तकरीबन 12 बजे तो लाजमी, लेकिन ये तो शायद शाम का ही टाइम था, 8 बजे का के 7 बजे का इसी तरह का टाइम था। लेकिन खैर, यहाँ फिर हम घर आने के लिए निकल चुके थे, और ये देखें सर्दी थी, सर्दी ज़्यादा थी यहाँ पर। जाहिर है अभी भी सर्दी का ही वो चल रहा है महीना, तो सर्दी ही पड़नी है। तो बस ये देखें बाहर का एरिया, अच्छा मॉल ऑफ लाहौर जो है ये कैंट एरिया की साइड पर है, सारा कैंट का एरिया, मतलब आर्मी एरिया है यहाँ पर। बकायदा चेकिंग करके आप इनके एरिया में आएंगे, और फिर उसके बाद ये देखें बाहर का ये सारा बना हुआ है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ था ये, बाहर से भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। अब तो लाइटिंग वगैरह जैसे ऑफ है तो पता नहीं चल रहा इस वजह से, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है ये बाहर से भी। अच्छा, हमने गाड़ी ज़रा थोड़े दूर डिस्टेंस पर खड़ी की थी बराबर में, तो ये सारा जो है आर्मी का एरिया, तो इसलिए यहाँ पे मतलब आपको डर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली घूम भी सकते हैं, अंदर फिर सकते हैं। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई थी, बाहर गई थी तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए भी वीडियो बनाई जाए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।